ऊपर में लिखा हुआ है आई लव मूर्ति। तो चलिए फटाफट से अभी मूर्ति नदी में जाते हैं, और मूर्ति में कैसे आएंगे, कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पे रहना सबसे सुविधा होगा, सबसे बेहतर होगा। तो अल्टीमेटली आ गए हम जो मूर्ति का है नेचर्स कॉटेज गोरुमारा। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मूर्ति रिसोर्ट में। पीछे मेरा जो रिसोर्ट ये देख रहे हैं, हम लोग अभी है मूर्ति व्यू पॉइंट में, जो मूर्ति का जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे सबसे सुंदर जगह। पीछे आप लोगों को दिख रहा है मूर्ति नदी। तो ये इतना सुंदर और प्यारा जगह है ना, सामने मूर्ति नदी बह रहा है, पूरा रात भर उसका जो आवाज़ है धीरे धीरे वो बहती जा रहे का आवाज़ एकदम दिल छूने वाला है। तो चलिए फटाफट से अभी मूर्ति नदी में जाते हैं, और मूर्ति में कैसे आएंगे, कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पे रहना सबसे सुविधा होगा, सबसे बेहतर होगा। व्यू पॉइंट आपका होटल से मूर्ति नदी का कहाँ कहाँ रहता है आपको बोलेंगे, उसके लिए वीडियो को देखते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। मैं हूँ राज, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग। जो रिवर है आपका वहाँ दूर पे है, थोड़ा आगे जाके नीचे से क्रॉस करना पड़ेगा। ये आपका मूर्ति नदी में जाने का रास्ता है। डोना और सोनू भी आ रही है। बहुत ज्यादा स्लिपरी है, मेन रिवर उधर पार करके जाना पड़ेगा। ये थोड़ा डिवाइड होके बाहर से बह रही है, मगर इसमें भी थोड़ा स्ट्रीम है, स्रोत है। हम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान से और बहुत आनंद भी है, एडवेंचर भी हो रहा है, हम क्रॉस कर रहे हैं। गिर जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है, तो ये पूरा एकदम डिस्कवरी पे शूट हो रहा है। नदी पे जाने का जो ये जो एक्सपीरियंस है, पहले पेच पे था आपका पत्थर बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे आपका बालू है, फिर थोड़ा घास है, तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब इसको फील करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ऊपर धूप भी ज़्यादा है, आँख खोल के शायद नहीं बोल पा रहा हूँ आप लोगों का। अभी नदी का आवाज़ सुनाते हैं, और सामने दूर पे दिख रहा है आपका मूर्ति का जो ब्रिज है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी नदी पास में आ चुके हैं, तो फटाफट से नदी में उतरते हैं। ये देखिए हम लोग आ गए मूर्ति का जो मेन नदी है और स्ट्रीम है उसके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लो है। हम सोनू और डोना तीनों मिलके अभी मूर्ति नदी का जो ये रिवर का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा बहुत एडवेंचरस व्यू है। मूर्ति नदी का जो वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। देखिए आपका रिवर के अंदर जो पत्थर वगैरह है और अंदर जो लाइफ है वो क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है। सबसे प्यारा आप जो है नदी का जो साउंड आ रहा है वो थोड़ा सुनने का कोशिश करिए। तो क्या सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया, फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ। ऑसम फीलिंग से दोस्तों, यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आइए जरूर, क्योंकि मूर्ति एक ऐसी जगह है नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा जगह है। यू कैनॉट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट कमिंग हेयर। मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ ये फीलिंग्स जो शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग भी थोड़ा देखिए और इन्जॉय करिए। बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग है। यहाँ का जो व्यू आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर है, ऑसम, जस्ट इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। आप लोग आइए जरूर और मूर्ति को एक्सप्लोर करिए।
बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे डूबने का या नहाने का मन कर रहा है, मगर अब टाइम नहीं है। आज हम लोग निकल जाएंगे मूर्ति से, कल आए थे तो चलिए जितना हो सके उतना एंजॉय करके फिर जाना पड़ेगा वापस। आप लोग भी यहाँ तक देख लिए तो जरूर लाइक करिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो चलिए, हम लोग का फैमिली मेंबर अभी तक नहीं बना है तो रेड बटन जो है सब्सक्राइब का उसको दबा के सब्सक्राइब करिए। सोनू भी एकदम पानी में आके घो गई है और बहुत मजा कर रही है, उसको पानी अगर मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। और दोनों भी देखिए कहाँ चले गई है, तो दूर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है मूर्ति व्यू पॉइंट। तो अभी मूर्ति रिवर हम लोग क्रॉस करके इस पर आ गए, और क्रॉस करके आपको दूर में जो है पीछे वाला हिस्सा में वहाँ पे जंगल है, जो वहाँ पे अगर आपको जंगली जानवर वाइल्ड एलिफेंट बेसिकली आपको मोर मतलब पीकॉक वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जाने के लिए एलिफेंट भी का आपको सवारी तय करना पड़ेगा, और अंदर डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको कुछ भी एलिफेंट वगैरह या आपका सुअर सब मिल सकता है। तो आप जो कर सकते हैं टाइम लेकर अगर वहाँ पे जा पाएंगे तो बहुत ज्यादा एडवेंचरस और बहुत ज्यादा उसके बाद बहुत कुछ कर पाएंगे। बहुत दूर नहीं है पर हमारे पास टाइम नहीं है, और कोई हम लोग जाएंगे 7 पॉइंट्स का जो व्यू है नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। वापस जा रहा हूँ घर पे, मूर्ति का कहाँ कहाँ पे रहेंगे इसका वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, तो चलिए बने रहिए। और कहाँ कहाँ बेस्ट जगह पे रहने का उसके लिए भी देखने के लिए जानने के लिए देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर मूर्ति क्रॉस करके रिवर क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। कल जब नहा रहे थे तो यार एक लाल कपड़ा है, तो मैंने सोचा ये एक्वेरियम का फिश है, और ये सोच के बहुत वीडियो किए फोटो खींचा, फिर देखने को मिला कि ये एक कपड़े का टुकड़ा है। और वो जो बड़ा सा पत्थर है वहाँ बैठ के हम लोग नहाए थे कल, अब बहुत कुछ मिस कर दिए। गाइस जो हुआ कल जो है हम लोग जो गोरुमारा का जो यात्रा प्रसाद वास्ता तो वहाँ पे टिकट बनाने के चक्कर में बहुत देर तक आपका क्यू में खड़े रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, हम उसको कंपनी नहीं दे पाए, मगर उसका तो छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को दिखा देंगे, चलिए आप ये देखिए। अभी जाना पड़ रहा है घर में, तो अलविदा मूर्ति रिवर। जो व्यू आ रहा है सन का जो रिफ्लेक्शन ऑसम है। और मूर्ति नदी के बारे में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, यही मूर्ति रिवर आपका गोरुमारा जंगल के अंदर से ही जा रहा है, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो यहाँ से ही मूर्ति रिवर से ही पानी वगैरह पीते हैं, और मूर्ति रिवर के जस्ट चारों ओर ही अंदर से मूर्ति रिवर चले गए पूरा आपका ये गोरुमारा नेशनल जो पार्क है या फॉरेस्ट है, ये चारों तरफ मूर्ति के दोनों तरफ बसते हैं। पिछले बार हम लोग जो मूर्ति में आए थे तो वहाँ पे आपका जो जंगल का रास्ता है नदी क्रॉस करके हम लोग गए थे, वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला था, जैसे शुअर वगैरह और पिकक तो देखने को मिला था। जाना यस जाना मना है, रोना बोलना चाहती है जाना मना है, फिर भी हम लोग थोड़ा रिस्क लेके गए थे, ये सीक्रेट है, और हाथी का भी आवाज़ सुने तो इसलिए डर के मारे भाग गए चले आए थे। कल रात का जो एक्सपीरियंस, कल रात का यहाँ पे जंगल से हाथी का बहुत जोर शोर से आवाज़ आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हाथी कभी भी निकलता है और लोकेलिटी में आ जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हाथी देख नहीं पाए, मगर हाथी का जो आवाज़ था हम लोग कल सुन पाए, और बहुत जोर शोर से आवाज़ हो रहा था। मूर्ति के आसपास टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पे रहने के लिए सबसे सुंदर और बेहतरीन जो रिसोर्ट है यह है नेचर्स कॉटेज गोरुमारा, क्योंकि ये मूर्ति का एकदम अंतिम पार्ट में सिचुएटेड है, और यहाँ पे जो मूर्ति टूरिस्ट स्पॉट है आई लव मूर्ति जहाँ पे लिखा होता है आप लोग देखें, जस्ट उसका ऑपोजिट में है। यहाँ पर छोड़ के वेस्ट बंगाल टूरिस्ट लॉज है, गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो बोनानी टूरिस्ट स्पॉट है या बोनानी रिसोर्ट है, उसके बाद त्रिमूर्ति रिसोर्ट है जो मूर्ति नदी के आसपास में सिचुएटेड है, मगर सबसे बेस्ट सिचुएशन आपका नेचर्स कॉटेज गोरुमारा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल टूरिस्ट लॉज जो है जिसके बगल में सिचुएटेड है। अगर आप बुक करना चाहते हैं तो सबका डिस्क्रिप्शन या सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट।
ये आपका गोरुमारा नेचर्स कॉटेज मूर्ति का जो रिसोर्ट का जो बाहर से व्यू आप लोगों को दिखा रहा है, ये रिसोर्ट है और जस्ट सामने मूर्ति नदी है। और हम लोग को जो कमरा मिला है ये वाला, आप यहाँ पे बैठ के मूर्ति को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेडरूम से एकदम बैठे हुए मूर्ति का जो व्यू रिवर का दिख रहा है। तो सबसे बेहतरीन तो मुझे लगा इन लोगों का जो एम्बियंस है, बिहेवियर है और आपका सर्विस है बहुत ही सुंदर है। ये पीछे मेरा देख रहा है आप लोग, ये आपका पूरा लाइन से छोटा छोटा कॉटेज है। यहाँ पे डीलक्स वगैरह, स्टैंड वगैरह, एसी, नॉन एसी सब तरह का मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे रिसेप्शन है का इंतजाम पूरा है, बहुत सुंदर है। यहाँ का रिसेप्शन है, वहाँ पे किचन खाना बनाता है और डोना सोनू ऑलरेडी खाना चालू कर दिए। हाँ, वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा भी है और यहाँ पे रात को कल कैंप फायर भी हुआ था, बहुत अंधेरा था इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया, बहुत मजा हो रहा था यहाँ पे रात। देसी मुर्गी वगैरह घूम रही है, उसके पीछे पीछे सोनू एकदम इतना एक मिनान से मजा से प्यार से फुर्ती से भाग रही है। ये सामने मूर्ति रिवर जो ये जा रहा है देखिए, और पीछे आपका यहाँ पे फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट में आप पैदल जा सकते हैं मगर नहीं जाने से ही बेहतर रहेगा। एक चीज आपको मैंडेटरी दिखेगा वो है मोर, पीकॉक जिसको बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे जो होटल से नजारा सामने रास्ता ये गया है और ये है एंट्री पॉइंट होटल का। आपका नेचर्स कॉटेज गोरुमारा से जो ओनर साहब से बात हो रहा था तो आप लोग उनका नंबर हम दे देंगे, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। बुकिंग तो नहीं होता है, ऑनलाइन में भी होता है, उनसे बोलने से हम लोग बैंक डिटेल भेज देता हूँ, पिक्चर उक्चर जो है वो भी भेज देता हूँ, और देख के पसंद करने से हम लोग कंफर्म कर देता हूँ एडवांस करने से। बहुत ही ज़्यादा एकदम अपनापन है उनका बिहेवियर में, हर तरफ से सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे मूर्ति में बहुत सारे रिसर्च वगैरह है। वहाँ पे सुविधा शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे प्ले ग्राउंड में आपका बहुत सारे खेल खुलेगा जाएगा, ट्रैम्पोलिन वगैरह मिलेगा, और यहाँ पे जो शांति है और यहाँ पे जो व्यू है नदी का ये सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट। यहाँ पे नंबर नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो सीढ़ी से उठते ही आपका यहाँ पे रूम है, रूम का ये अंदर का नज़ारा है, बाकी टीवी वगैरह है और कैबिनेट भी है। और यहाँ पे बाहर में आपका ये बैल्कनी है, बहुत खूबसूरत बैल्कनी से व्यू आता है इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और सामने यहाँ पे वॉशरूम है, बम गिराने का जगह और गीजर वगैरह सब है, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल है। वी आर ऑल सेट, वी आर रेडी फॉर चेकआउट। तो चलिए अभी ऑल सेट टू गो, अभी निकल रहे हैं 7 पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे मूर्ति का ट्रिप को हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके बाद आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग फिर एडवेंचर्स होने वाला है। हम लोग 7 पॉइंट्स जैसे यहाँ पे झालोंग, बिंदु, सामसिंग, सुमताले खोला, रॉकी आइलैंड, बहुत 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 मजेदार अमेजिंग हो, तो प्लीज लाइक करिए, सपोर्ट करिए हम लोग का चैनल। अभी तक फैमिली मेंबर नहीं बना है तो सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, तो और भी मजेदार एडवेंचरस और प्यारा वीडियो देखने के लिए हम लोग का चैनल अनबीटन न्यूज़ ब्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिए। तब तक हम लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो थैंक यू वॉचिंग, बाय।